So assalamu alaikum friends and fans, this is me Amir and welcome back to another beautiful vlog. So today's video is really important because all of you know that ki Pakistan mein new currency aa rahi hai, Pakistan mein new currency notes 2018 mein launch kiye ja rahe hain. Ab isme kitna sach hai kitna jhoot hai wo to nahi main janta, lekin aaj ki jo video hai uska purpose mera reaction hai jo ki main banaunga apne new currency notes, Pakistan new currency note 2018. So yeah, let's just get started. And if you didn't subscribe to my YouTube channel, so make sure to do subscribe my channel first and for daily vlogging and for more entertainment videos. Alright, so सबसे पहले बारी आती है 50 रुपीज के नोट की, 50 रुपए पाकिस्तानी नोट की जो कि नया लॉन्च हुआ है. ओके, ये नोट आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कलर है, लाइक ऑलमोस्ट 3 or 4 कलर्स हैं, लाइक पर्पल, रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये नोट बहुत खूबसूरत है अगर बात की जाए. सो इसके ऊपर राइट वे पे एक सितारा और चांद सितारा जो कि हमारे फ्लैग का निशान है, उसके बाद इस पे फूल बने हुए हैं, ट्रक बना हुआ है जो कहते हैं पेशावरी ट्रक होते हैं, जो हमारा कल्चर है वो बना हुआ है. एंड अगर इसकी बैक साइड पे बात की जाए या फ्रंट साइड पे, सो यहाँ पर घोड़े बने हुए हैं. घोड़ा कशी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी ट्रेंड में है, और हॉर्स राइडिंग, सो आप लोग जानते हैं कि ये हमारे कल्चर में है, तो इसलिए उसके मुताबिक इसको एक लुक दी गई है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड, लेकिन मैं अपना रिएक्शन जो मेन है जो नोट्स के बारे में मैं वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इस नोट के ऊपर दैट इज गुड, फेयर इनफ. ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज 10 रुपीज नोट. 10 रुपए का नोट है जो कि पहले आई थिंक हाकी कलर का था, लेकिन अभी भी इसको हाकी कलर में ही लाया गया है, लेकिन डिफरेंट शेड के साथ. दैट इज इसमें थोड़ा सा रेडिश, हल्का सा रेडिश टच है. उसके बाद इसके ऊपर एक गिटार जो कि पहले जमाने का, जो आई थिंक सो टन 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 समथिंग लाइक दैट, जो पहले जमाने में बजाया जाता था वो है. पहाड़ बना हुआ है एंड एक चील, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो एक चील बनी हुई है, ईगल बनी हुई है जो कि उड़ रही है. नीचे साइड पर बात किया जाए तो इसके आप लोग देख सकते हैं एक औरत है जो कि आई थिंक सिंधी टाइप है, जो कि मतलब हमारे रेगिस्तान टाइप की है और जो रेगिस्तान से बिलोंग करती है. उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं फुल बाजू पर, मुंह कवर किया हुआ है, और या वो आई थिंक बकरियों को चिराने आई हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट आवर 100 रुपीज नोट. पाकिस्तानी 100 रुपए की नोट के ऊपर बात करते हैं. एंड ये नोट भी कलरफुल है. अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेड शेड को बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इन्होंने इन किया है, रेड मेरून थोड़ी थोड़ी हल्की, 10, 50 और 100 के नोट में. अच्छा, 100 के नोट में सबसे पहले आप लोग देखें एक मटकी बनी हुई है जिसके ऊपर मछली बनी हुई है, एंड उसके साथ ही एक बारा सिंगा भी है अगर आप लोग गौर से देखें तो. इस तरफ बात करें तो एक पहाड़ बना हुआ है, नाउ दैट स्टफ, और कलर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है. नीचे अगर बात की जाए तो एक मज़ार बना हुआ है और उसके ऊपर कोई सूफी कलाम पर है. अब मुझे लगता है कि ये है आपदा परवीन. हाँ जी, मुझे तो यही लग रहा है कि आपदा परवीन है, लेकिन नीचे वाले साइड पे 100 रुपीज़ में कोई है जो कि सूफी कलाम पर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड. ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव 1000 रुपीज नोट. 1000 रुपये का नोट है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि बुद्धा, आप लोग देख सकते हैं कि जिसपे बुद्धा के बुद्धा एक मज़हब है, आई थिंक बुद्धिज़्म जो होते हैं, सो उनका मज़हब है. एंड बुद्धा इज लाइक के बुद्धा काम करता है, बुद्धा जो मज़हब है वो आप लोगों को कहता है कि काम रहें, पेशेंस रहें, और इस तरह रहें, राइट. तो इसके ऊपर 1000 रुपये के ऊपर उसकी तस्वीर बनी हुई है, एंड कलर भी अच्छा ही है ऑलमोस्ट. अब इस कलर की शेड मुझे नहीं पता इतनी डीपली, लेकिन अच्छी शेड है. और नीचे वाली साइड पर अगर आप देखें तो एक औरत बनी हुई है, और शी वेयर सच काइंड ऑफ हैट विद यू नो मोर का पार्ट. सो या दैट्स क्वाइट इनफ, लेकिन 1000 के नोट के ऊपर गैर मज़हब यू नो व्हाट यू कॉल दैट, के अपने इस्लाम को छोड़कर यू नो दूसरा कल्चर की पिक्चर, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ रियली कूल एंड इंटरेस्टिंग थिंग.
Okay, so next we have is 20 rupees note, and as you guys can see, 20 rupees note is very beautiful. मुझे personally 20 रुपए का नोट बड़ा मजे का लगा है. काफी colorful है, blue light color है इसका and sky blue color है. और अगर इसके front की बात की जाए तो इसके ऊपर एक मटका पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. और इस साइड पे इसके मीम आइन बेस स्कॉफ पेज अलिफ बे पे लिखा हुआ है सब कुछ, एंड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और अच्छा है. बैक साइड पे अगर बात की जाए तो एक आदमी बना हुआ है जो कि ढोल बजा रहा है. इट्स लाइक मे बी पंजाबी कल्चर बता रहे हैं यहाँ पर 20 रुपए के नोट के ऊपर, एंड आदमी है उसने ढोल पकड़ा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड एंड इंटरेस्टिंग नोट एज वेल. सो 20 रुपीज नोट इज लाइक गुड बिकॉज मुझे ये पसंद आया. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज लाइक रुपीज 500 रुपीज अ नोट, 500 रुपए का नोट है. एंड इसकी शेड अगर बात की जाए सो 500 रुपए के ऊपर ग्रीनिश शेड है. एंड अगर आप लोग फ्रंट की बात करें तो एक पंखा बना हुआ है, पंखे के साथ हमारा जो आई थिंक बटेर है समथिंग लाइक दैट, बटेर है पाकिस्तानी कौमी परिंदा भी बटेर है कि समथिंग लाइक दैट कुछ है आई डोंट नो. ओके, सो एक बटेर बना हुआ है, पंखा है और इंटरेस्टिंग है. डाउनस्टेयर बात की जाए, बैक की बात की जाए तो पुराना घर बने हुए मिट्टी के और एक आदमी है जो कि कुछ बजा रहा है. आई थिंक ये भी सिंधी है. एंड Yeah, 500 rupees is also good. Like, बहुत ज़्यादा शोशा वाला नहीं है. Okay, next we're gonna talk about 5 rupees. And 5 रुपये का नोट बहुत खूबसूरत है because it's like, somewhere it look like a euro. ये euro की तरह लगता है because shade इसकी बिल्कुल वैसे ही है. Front पर एक दरवाज़ा बना हुआ है और कुछ खास नहीं है. Back पर नीचे बना हुआ है एक आदमी है जो कि डांस कर रहा है, I think सूफियाना डांस कर रहा है. और पीछे एक अमारत बनी हुई है and that's it. Okay, so khalas this. Now my reaction on new notes, Pakistan new currency 2018 is they all are very good and बहुत अच्छे notes हैं. Colors बहुत ज़्यादा अच्छे हैं and colors की अगर बात करें तो colors तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. लेकिन somewhere मुझे लगा है कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी big mistake, आई थिंक आप लोग भी सब agree करेंगे कि कायदे आज़म की तस्वीर इस पर कहीं पर भी नहीं है. सो कायदे आज़म इज़ लाइक जिन्होंने हमारा मुल्क बनाया, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ कायदे आज़म, सो ही मेड पाकिस्तान फॉर अस. सो अगर हम उन्हें ही निकाल दें अपनी करेंसी में से और मतलब दूसरी चीज़ों को इन कर दें, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ रियली कूल थिंग. सो फॉर मी दीज नोट्स आर रियली गुड फॉर कलर, हर चीज़ के लिहाज से अच्छे हैं. लेकिन कायदे आज़म को डिनाई कर दिया गया है जिसकी वजह से मुझे ये नोट बिल्कुल भी नहीं पसंद आए. कलर्स वगैरह अच्छे लगे हैं लेकिन कायदे आज़म को अगर डिनाई करेंगे सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लीडर को अगर आप लोग ख़त्म कर देंगे नोट्स में से और उनका जो एक वो चेहरा है, सो अगर आप उसी को ख़त्म कर देंगे सो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ रियली कूल थिंग. बट ओवरऑल दिस इज़ गुड एंड कलरफुल नोट है, इंजॉयबल नोट है. So yeah, that's the end of my video. If you guys really enjoyed, then make sure to do subscribe my YouTube channel. Give a big thumbs up to this video. And see you inshallah in next video. Till that time, Allah Hafiz and bye-bye.